है जहां था लड़का गांव में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पर मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा कर सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगा है। आपको बता दें कि था लड़का ग्राम पंचायत के 5 KM में मनरेगा योजना के तहत पक्के खाले पर मस्टोल में काम चल रहा है। हर दिन इस काम पर 25 मजदूर भी काम करते हुए दिखाए गए हैं, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक इस पक्के खाले पर एक दिन ही मनरेगा का काम नहीं चला। सरपंच सचिव और पंचायत समिति के अधिकारियों की मिलीभगत से सरपंच के घर पर ही मस्टोल भरे जाते हैं और सरकारी पैसों का बड़े स्तर पर गबन किया जाता है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने थर्ड लड़का के 5 KM में मनरेगा स्थल पर जाकर देखा तो वहां पर कोई मनरेगा मजदूर काम नहीं कर रहा था तथा पक्के खाले पर मनरेगा मजदूरों ने आज तक कोई काम नहीं किया। मौके पर मौजूद किसानों का कहना है कि इस पक्के खाले पर आज तक कभी भी मनरेगा के मजदूर नहीं लगे। सरपंच और सचिव मिलकर घर पर ही फर्जी मस्टोल भरकर सरकारी पैसों का गबन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने करीब 60 से अधिक फर्जी जॉब कार्ड तैयार कर रखे हैं, जिसके चलते ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पर फर्जी भुगतान उठाया जाता है। जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी भुगतान को लेकर जब इसकी शिकायत जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को की गई तो उन्होंने विकास अधिकारी नोहर को कार्य की जाँच करने भेजा तो वहाँ कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था। इस पर कई मजदूरों को फोन करके बुलाया गया और काम पर लगाया गया। बाद में मजदूरों की काम करते हुए फोटो बनाई गई। फोटो के साथ ही मजदूर अधिकारियों के साथ वापस चले गए। जब हमारी टीम ने इसके बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच राधेश्याम सारण से पूछा तो उन्होंने बताया कि कार्य सही रूप से नियमित चल रहा है, जबकि मनरेगा कार्य हकीकत में वहाँ हुआ ही नहीं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को ग्राम पंचायत के फर्जीवाड़े से अवगत करवा कर शीघ्र दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सरपंच साहब, 5 KM में खड़े के नरेगा में ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि नरेगा नहीं चली है, तो आपका क्या? नरेगा पक्का खाड़ा निर्माण कार्य की नरेगा थी और कल हमारी जांच भी हुई थी, डीएम साहब भी आए थे। नरेगा के पक्का खाड़ा बना के उसके दोनों तरफ मिट्टी लगाने का कार्य लगातार जारी है और आज लेबर नहीं आई है और कल भी शायद नहीं आएगी। लेबर को वैक्सीनेशन डे था, परसों वैक्सीनेशन डे था, उसकी वजह से वैक्सीन की वजह से किसी की बुखार है या वैसे भी आना नहीं चाहते लोग। अब नरमई का सीजन है तो नरेगा एक बार। सर कितनी लेबर वहाँ लगी हुई थी? लेबर लगभग 25 लगे हुए हैं। 25 कहीं काम किए लोग कह रहे हैं कि कहीं पे खाड़े पे काम किए ने फर्जी मस्टोल भरे जा रहे हैं। खाड़े पे काम नहीं होता तो खाड़े का निर्माण कैसे होता? निर्माण तो कर रहे हैं सर, आज से 6 महीने पहले निर्माण हुआ है। आज से 6 महीने पहले अभी तक खाड़े का निर्माण कार्य चालू है। हमारी 3 लगभग पुलियाँ बनानी बाकी पड़ी है, उसके दोनों तरफ मिट्टी लगानी बाकी पड़ी है और अगले हफ्ते से हम दोबारा नरेगा लगाएंगे। सर कह रहे हैं कि ये फर्जी मस्टोल है, इस पर क्या कहना है आपका कि काम होता नहीं है फर्जी मस्टोल पर? ये बार बार हमारा इंस्पेक्शन होता रहता है, हमारी जईए नईए समय समय पर आती रहती हैं और हमारे द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जाता रहा है। और जिस किसी आदमी को ये लग रहा है कि भाई फर्जी मस्टोल है तो वो लगातार विभाग से अपनी शिकायत दर्ज करवाए, वो लगातार अपना चेक करते रहेंगे। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के कहने मात्र से कोई गलत थोड़ी हो जाता है। 5 KM चक के अंदर पंचायत के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले सीओ साहब को लिखित में दिया था कि इसके अंदर ये नाम है, ये क्रमांक संख्या है, ये लोग फर्जी 5 KM में मिस्टोल जारी करवा के सरपंच है और फर्जी काम करवा रहा है। और उसकी सीओ साहब ने वीडियो साहब को लिखित आदेश किया जांच का, तो वीडियो साहब यहाँ पे आए, 2 बंदों को गाँव से साथ में ले आए जिनका नाम चल रहा है, 2-4 और उन दोनों को लाकर थोड़ा सा कचरा कटवा के उसका फोटो लिया और उनको साथ में लेके चले गए। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। आज आपने देख लिया यहाँ पर पूरे चक के अंदर पूरे खाड़े के ऊपर कचरा खड़ा हुआ है, कहीं पे नरेगा के द्वारा कार्य नहीं किया गया है और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरपंच कम से कम 60 लोगों के हर 15 दिन के अंदर फर्जी पेमेंट उठा रहा है। वीडियो साहब ने पहले ही वीडियो साहब ले गया 5 मिनट में, और वीडियो साहब सरपंच को वीडियो साहब साथ में लेके आए और वीडियो साहब ने पहले ही फोन कर दिया, फोन करके बाद में यहाँ पे आए और वीडियो साहब खुद उनको साथ में लेके आए थे, जो 2 बंदे आए यहाँ पर उनको और साथ में लेकर वापस चले गए और साथ में लेके वापिस चले गए। 5 KM में मारो खेत है जी और मैं रास्ता रोज मारे खेत जा गया हूँ, मैं कभी नरेगा कौन देखी 3 महीना में, ना अठे नरेगा लगी ना नरेगा रावे अठे, और खाले ऊपर कचरो खड़ी है, ये जमींदार भी अठे मैं आप खालो कदी चाहिए तो आप ही साफ करे। नरेगा लेबर ने कभी साफ नहीं किया कभी? यहाँ नरेगा ही कोनी अठे,
पिछले 3 महीनों से यहाँ लगी हुई बता रहे हैं मास्टर चला कोई को नहीं आया। आपने कभी नहीं देखी है नरेगा कोई एक आदमी दो आदमी तीन कभी लेके कोई को नहीं आया तो बता रहे हैं कल यहाँ दो आदमी वीडियो साहब लेकर आए साहब दो आदमी को साथ लेके आए यहाँ और सफाई थोड़ी सी करवाई साथ लेके वापस चले गए। वो बोले 5 मिनट खातिर बुलाया अढ़ाई खाड़े पर है जो 3 महीनाओं को ही नरेगा को लागी और कचरो भी यही खड़े है और मैं अठे मेरे पास में खेत है मैं आऊं अठे जब मैं तो लागड़ी देखी को नहीं इतना दिन अठे कोई नरेगा को काम को नहीं बाकी और थाना भी इन्हें भी बतायो भी है लोगा और बिल्कुल झूठा चाल है बिल्कुल फर्जी नाम चलन आ रहा है कोई अठावे को नहीं कोई जावे को नहीं। 3 महीने से इस खाले पर नरेगा चल रही है सर भुगतान उठ रहा है तो आपने देखा है कभी नरेगा हो कभी कोई भी 1, 2, 5 कभी लगे हो तो ना कभी नहीं देखा और कल वीडियो साहब आया था यहाँ और वीडियो साहब आए तो उनके साथ ही चढ़ के 2-3 आदमी आए थे वो कचरा वचरा काट के और उनके साथ ही वो चले गए वापिस और कोई नरेगा काम नहीं है यहाँ यही है सब फर्जीवाड़ा है सब फर्जी काम चल रहा है कोई नरेगा काम नहीं है 2-3 महीनों से और यही लोग बता रहे हैं।